नमस्कार, मेरा नाम है वर्षा। दिव्य हिमाचल अपनी माटी बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। अपनी माटी में लेकर आए हैं किसान बागवान भाइयों के लिए कुछ खास वीडियो, तो आइए नजर डालते हैं अपनी माटी पर। सोलर बाड़ का खर्च पूछना मना है। बागवानों को ट्रैक्टर और आरियां किराए पर। धर्मशाला से दिल्ली तक छाया चेरी टमाटो, मोटापा भगाने में है रामबाण। बरसात में सूखी शाहनहर, किसान बोले पंजाब ने किया बेड़ा गर्क। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल में आवारा पशु सबसे बड़ी टेंशन बन गए हैं। अमूमन हर किसान की 25% फसल गाय, सुअर, सांड, बंदर आदि बर्बाद कर देते हैं। प्रदेश सरकार फसलों को लावारिस पशुओं से बचाने के लिए सोलर बाड़ पर 85% सब्सिडी के दावे करती नहीं थकती, लेकिन किसानों का कहना है कि यह बाड़ काफी महंगी होती है, इस कारण वे लोहे की कांटेदार तार को पसंद करते हैं। किसान कहते हैं कि सरकार सब्सिडी की बात करती है, लेकिन यह नहीं बताती कि एक बीघा या एक कनाल में सोलर बाड़ का कितना खर्च आता है, क्योंकि सब्सिडी के बाद भी यह तार बहुत महंगी पड़ती है। खैर, कुछ किसान इसे लगा भी रहे हैं। उनका कहना है कि भले ही इसे टच करने से पशुओं को झटका लग जाए, लेकिन यह टूट जाती है, जिससे पूरी बाड़ बेकार हो जाती है। हमने विभागीय अधिकारियों से सोलर बाड़ का खर्च जानने की कोशिश की, लेकिन कोई भी मुंह खोलने को तैयार नहीं हुआ। तर्क था, मैदानों और पहाड़ों में अलग अलग खर्च आता है, कहीं 3 वायर लगती है तो कहीं 5। अब सवाल जस का तस है, जिसका जवाब शायद ही भोले भोले किसानों को मिले। हिमाचल में सेब सीजन जोरों पर है। आढ़तियों से लेकर कलेक्शन सेंटरों तक जयराम सरकार की पैनी नजर है। सरकार अब बागवानों को एक और बड़ा तोहफा देने जा रही है। अपनी माटी बुलेटिन के लिए शिमला से हमारे विशेष संवाददाता शकील कुरैशी ने महेंद्र सिंह से विशेष भेंट की। इस दौरान बागवानी मंत्री ने अपना मास्टर प्लान शेयर किया। महेंद्र सिंह का कहना है कि जो बागवान मशीनें नहीं खरीद पाते, उन्हें किराए पर मशीनें दी जाएंगी। इसमें मिनी ट्रैक्टर से लेकर आरी, कटर, कैंची आदि शामिल रहेंगी। काम खत्म होने के बाद ये सामान सरकार के पास जमा हो जाएगा। महेंद्र सिंह ने कृषि मंत्री रामलाल मारकंडे से भी आग्रह किया है कि वे मार्केटिंग में मदद करें। सरकार का प्रयास है कि देश के सभी प्रमुख मंडियों से सेब की डिमांड मंगवाकर उसी हिसाब से सप्लाई की जाए। यही नहीं, नीलामी के दौरान विभागीय अफसरों को मौजूद रहना होगा। इस बार एक नई पहल शुरू करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, कि ऐसे क्षेत्र जहां बागवानी के ऊपर विशेष ध्यान है, उन क्षेत्रों में जो है हम जो हमारे सेंटर हैं, विक्रय केंद्र हैं, उन विक्रय केंद्रों में हम कुछ मिनी ट्रैक्टर्स, कैंचिए, ऐसे बुश कटर्स और ऐसे छोटे आरे जो छोटे छोटे झाड़ियों को काटने के लिए होते हैं, इत्यादि इत्यादि सामान जो उसमें रखेंगे, ताकि गरीब से गरीब बागवान जो है वहाँ से बड़े एक थोड़ी से दाम पर जो है वहाँ से सामान ले जाए, अपना काम करे और वापस जो है उस सामान को वहाँ पर जमा करवा दे। सहयोगी मंत्री रामलाल मारकंडे जी से भी निवेदन किया है कि क्योंकि मार्केटिंग उनके पास है, कि वो पूरे भारतवर्ष के अंदर जितने भी हमारी ऐसी मंडियाँ हैं वहाँ वो भी कॉन्टैक्ट करेंगे। HPMC वाले भी जो MD है, मैंने उनको भी कहा है, वो भी वहाँ पर कॉन्टैक्ट करें, और कॉन्टैक्ट करने के साथ साथ जितनी जितनी डिमांड जिस जिस प्रदेश की होगी, मंडियों की होगी, उतना उतना सेब उन मंडियों तक पहुंचाना हमारा काम होगा। हम भरी जो है उनको उतनी मात्रा में सेब उपलब्ध करें। इन दिनों धर्मशाला से लेकर दिल्ली के बाजारों तक एक विदेशी सब्जी ने धूम मचा रखी है। इस सब्जी का नाम है चेरी टोमेटो। नॉनी यूनिवर्सिटी ने जायका प्रोजेक्ट के तहत कई किसानों को इसके पौधे बांटे थे। इन्हीं किसानों में से एक है हमीरपुर निवासी विनोद कुमार। अपनी माटी बुलेटिन की टीम ने विनोद के फार्म का दौरा किया। विनोद ने अपने पॉली हाउस में लाल व पीला चेरी टोमेटो लगाया है, जिसकी बंपर पैदावार हुई है। फसल नई थी तो विनोद को हमीरपुर में इसका खरीदार नहीं मिला। इस पर कृषि विभाग की सलाह पर उन्होंने इसे धर्मशाला बाजार बेचा, जहां यह 120 रुपए किलो हाथों हाथ बिक गया। यह सब्जी ड्राई करके दिल्ली के बाजारों में 360 रुपए किलो तक बिक जाती है। यहाँ पे मैंने एक मेरे को ट्रायल के लिए जायका वालों ने टमाटर दिया था, ये जो एक चेरी टमाटर है जो हमने लगाया और हमारा काफ़ी मतलब सक्सेसफुल रहा, और थोड़ा हमें बेचने के लिए इसमें हमीरपुर ज़िले में थोड़ा हमें दिक्कत रही। फिर इसको हमने धर्मशाला में बेचा और कुछ को हमने ड्राई किया, और जो ड्राई किया वो हमने दिल्ली में बेचा, और जिसकी जो है वो दिल्ली में बहुत ज़्यादा डिमांड भी है। इसमें हमें जो रेट है वो जब हम इसको यहाँ धर्मशाला में
फ्रेश बेचते हैं तो उसके लिए हमें 120 रुपये किलो के हिसाब से पैसे मिल जाते हैं, और जैसे ड्राई करते हैं हम इसको, ड्राई करने के बाद हमें 360 रुपये किलो के हिसाब से बिक जाता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि चेरी टोमेटो शरीर के लिए काफी फायदेमंद है। यह ब्लड प्रेशर और मोटापे को कंट्रोल करती है, इम्यूनिटी सिस्टम को भी मजबूत रखती है। फाइबर और विटामिन सी के साथ इसमें सुपर लो कैलोरीज होती है। कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर यदुवीर सिंह ने बताया कि सूखे चेरी टोमेटो को गर्म पानी में डालने से यह सामान्य साइज में आ जाता है। यह गोल्फ गेंद के आकार की होती है तथा यह घरेलू और जंगली टमाटर का आनुवांशिक मिश्रण है। तो यह थी चेरी टोमेटो की कहानी। शीघ्र मिलेंगे ऐसी ही एक और गुड स्टोरी के साथ। हिमाचल का सबसे बड़ा सिंचाई प्रोजेक्ट शाह नहर बरसात में सूख जाने से हजारों किसान मायूस हैं। आलम यह है कि तलवाड़ा से मंड तक 30 किलोमीटर इलाके में से महज कुछ किलोमीटर में पानी है, उसके बाद नहर में पानी की एक बूंद तक नहीं है। किसानों के लगातार सवाल उठाने पर अपनी माटी बुलेटिन टीम ने इंदौरा और मंड क्षेत्रों का दौरा किया तो पाया कि हजारों एकड़ में धान की फसल सूखने के कगार पर है। किसानों ने बताया कि जहां से नहर निकलती है वो 4 किलोमीटर इलाका पंजाब में आता है। इसे हिमाचल द्वारा पैसा दिए जाने के बाद भी पंजाब ने पक्का नहीं किया, इससे पानी की मात्रा नहीं बढ़ाई जा सकती। जो पानी छोड़ा जाता है अक्सर उसे पंजाब के किसान चोरी कर लेते हैं, इससे हिमाचल के किसानों को कुछ हासिल नहीं होता। दुखी किसानों का कहना है कि जब करोड़ों रुपए की नहर हिमाचल ने बनवा दी तो क्या शुरू के 4 किलोमीटर क्या पक्के नहीं किए जा सकते थे। कुछ किसानों ने अपने स्तर पर प्राइवेट मोटर लगा रखी है लेकिन इन दिनों उन्हें बिजली नहीं मिल पा रही। बहरहाल हिमाचल सरकार की चूक और पंजाब की अनदेखी के चलते हजारों किसान अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। ਨਹਿਰਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਕਦੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀਆਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆਉਂਦੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਝੋਨਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ ਕਿੰਨਾ ਘਾਹ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨਹਿਰ 'ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ, ਦਰਾਰਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ। ਭਾਜੀ ਸ਼ਾਹ ਨਹਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਨਹਿਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹ ਨਹਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਭਾਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਲਾਏ, ਜਦੋਂ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਇਹ ਨਹਿਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਿਆ ਲੋੜ ਸੀ। ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਹਿਰ ਬਣੀ, ਇਹ ਨਹਿਰ ਹੀ ਇੱਕ ਮੰਡ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀਆਂ, ਕਦੀ ਟਾਈਮ ਟਾਈਮ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦ ਵੀ ਕਦੀ ਇਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਏਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪੱਕਣਗੀਆਂ। ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਹਰ ਵਾਰ ਆਇਆ, ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਕਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਗਰ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏ ਨਹਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ ਕੁਛ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਇਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਦਾ ਹਾਲ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ? ਨਾ ਕਦੀ ਸਫਾਈ ਸ਼ਾਹ ਨਹਿਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਨਾ ਕਦੀ ਨਹਿਰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਕਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਣੀ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਚੁੱਕੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। औरत चलते चलते हिमाचल में इस साल 20,000 बंदरों की नसबंदी का टारगेट, अकेले शिमला में 5,000 उत्पाती निशाने पर। सोलन के टमाटर ने दी सेब को टक्कर, सब्जी मंडी में 1,000 रुपए तक बिक रहा क्रेट। और शिमला जिला के पराला में प्रोसेसिंग प्लांट पर फंसा पेंच, प्रदेश सरकार ने एक साल और बढ़ाई डेडलाइन। और अब वक्त हो गया है किसान भाइयों के मनोरंजन का। सावन माह के इस पावन वेला में आइए देखते हैं कुलदीप शर्मा की आवाज में ये शिव भजन। जय जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। पार्वती मार गणपति सा, पार्वती मार गणपति सा। जय जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, पार्वती मार गणपति सा।
आज के एपिसोड में इतना ही, जल्द ही मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और अपना खूब ख्याल रखिए।